मैनू समझ नहीं आ रही, सला पैंदी इन्हें परेशान, अगे ने डिंकी करके मेरी ननद परेशान है, मैं कितने जावा, केड़े पंडित दे कोल जाके मरा। हाय हाय, मैं श्वेता जुमानी नू फोन करनी आ, बड़े साल हो गए मैं ते उन्हूं मिली नहीं, वो ते बड़े लोगों के काम करती है, ना चेंज कर देंदी, किस्मत बदल देंदी, उन्हूं मैं जूम कॉल लगानी आ। श्वेता की हाल चाल? सब बढ़िया मम्मी आंटी, तुसी कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू बता, तू तो मुझे भूल ही गई है, इतने साल हो गए दिल्ली नहीं आती, मिलने नहीं आती है। कोविड ने ऐसा हाल कर रखा है, हम कहीं नहीं जाते हैं, ऑनलाइन ही काम करते हैं। हाय श्वेता, तेरे कोल ते एने वड्डे वड्डे एक्टर आते ने, तू तो लोगों की जिंदगियां बदल देती है, उन्हां दी तकदीरां बदल देती है, मेरा भी कुछ वेख, मैं बहुत परेशान हूँ श्वेता। बोलो क्या हुआ आंटी? तुझे तो पता मैं इतने रिश्ते विश्ते कराती रहती हूँ, लेकिन तू बता, वो माई क्या जो अपने घर के बच्चों की शादियां ना करा पाए? मेरी ननद का बेटा, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई, 36 साल का हो चुका है। सरला बहन जी की बेटी 27 साल की हो चुकी है, उसकी शादी नहीं हुई। सरला बहन जी कहती है मैं तो जहर खा के मर जाऊंगी, तू बता अगर सरला को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। और यही नहीं, यहाँ तक के सारे पंडितों को दिखा लिया, वो कहते योग आ गया, योग आ गया, मैं कहती हूँ योग ही नहीं आता पे, बच्चे बच्चे बुढ़े हो जाएंगे, मैं की कर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। टेंशन ना लो, अब तो देखते हो ना इंस्टाग्राम पे हमारे पास आते हैं, स्पेलिंग चेंज करते हैं, 6-6 महीनों में शादी हो जाती है, 130 किलो की लड़की की शादी करवाई है मैंने, डोंट वरी, स्पेलिंग चेंज कराओ उन बच्चों की जिनकी शादी नहीं हो रही है। और आपको पता ही है थोड़ा सा ब्लू पहनो, जब लड़का लड़की एक दूसरे को देखने जाते हैं वो डेट अच्छी होनी चाहिए, पहले तो लड़का या लड़की अपने पार्टनर की डेट अच्छी कराओ, अगर आपकी बर्थ डेट आपके पार्टनर से जुड़ती है तो कोई चीज आप लोगों को शादी करने से नहीं रोक सकती है, अगर मिलती ही नहीं है तो कैसे आप शादी करोगे एक दूसरे के साथ जब कुछ संबंध ही नहीं है। श्वेता देखना, अगर मैं इतनी डीप बातों में जाऊंगी फिर तो मेरे बच्चे सगो कुवारे रह जाएंगे, अगर हर एक की डेट मिलाने लग गई तो बता ना। सिर्फ डेट ही तो मिलानी है, इतना सिंपल साइंस है हमारा, डेट मिलाओ, सही बंदे से शादी करो और जिंदगी भर खुश रहो, उनसी बड़ी बात है। अच्छा मुझे ये बता, मैं सरला बहन जी की बेटी का क्या करूं, 27 साल की हो गई है, डिंकी उसका नाम है और उसकी डेट ऑफ बर्थ 11 सितंबर 1900, क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से 91 है। पहली बात है कि ये पिंकी तो है नंबर 2 पर्सन, नंबर 2 होते हैं मून से रूल्ड, इसके लिए बेस्ट मैच आपको मिलेगा 1, 2, 6 या 7 नंबर का ही लड़का, और कोई बर्थडे नहीं देखना है आपको, जोडियक साइन भी नहीं देखनी है, कोई भी महीने का हो कैसा भी हो शादी करा लो, 1 नंबर या 6 नंबर से करेगी बेस्ट हो जाएगा, 2 एंड 7 से भी कर सकती है, वो भी इसके बहुत अच्छे नंबर, सिर्फ बर्थडे देखो लड़के की लाइफ बन जाएगी और कुछ मत देखो, पैसा है नहीं है, कैसे दिखता है, हैंडसम है, 2 साल के बाद पिंकी भी पिंका होने वाली है एज इट इज, और लड़का भी क्या पता क्या हो जाएगा, so nothing looks don't matter, सिर्फ बर्थडे इसकी मैच करवाओ, अच्छा लड़का ढूंढो जो इसके बर्थडे से मैच होता हो बस। लेकिन श्वेता तुझे पता है आजकल के बच्चे 100 नुक्स निकालते हैं, कोई रिश्ता मैं लेकर जाती हूँ कहती है कभी इसका घर नहीं अच्छा, लड़का पतला है, कभी कहती है मोटा है, कभी उसको माँ नहीं पसंद आती, कभी घर के पर्दे नहीं, ये छोटी छोटी बातों पे योग ही नहीं बनते है, मैं क्या करूं। मैं तुमको अभी पिंकी की स्पेलिंग बना के देती हूँ, बस एक चीज, उसको चाय कॉफी कुछ नहीं देना सुबह सुबह, बोलो 24 टाइम्स अपनी स्पेलिंग सिग्नेचर साइन करो और देखो 6 महीने में लड़का मिल जाएगा, लिखो PINNKY, इतना बड़ा ना करता मैं, जिंदगी बड़ी चाहिए, पैसे बड़े चाहिए, शोहरत चाहिए, बच्चों को सब कुछ चाहिए, आजकल तो मुझे हंसी आती है कि शोहरत भी लगा दिया इन्होंने लिस्ट में, आई वांट टू बी फेमस। पिंकी का नाम जितना बड़ा करा है उसकी लाइफ भी उतनी बड़ी होगी और ब्यूटीफुल होगी, मगर ए नेम चेंज करन से तो फिर बड़ी प्रॉब्लम होगी, कितने कितने नेम चेंज करिए ऐसी, देखो शादियों के बाद तो लड़कियों की हो जाती है ना मिस अरोरा मिसेस कपूर हो जाती है ना शादी के बाद, तो गैजेट ऑफिस होता है हर सिटी हर टाउन में, नाम चेंज करने की परमिशन है, डोंट वरी मम्मी आंटी, ये छोटी छोटी बातों को नहीं ध्यान में रखते हैं, शादी करवानी है, घर खुश रखना है उस बच्ची को,
तो आपको ये थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, 24 बार उसको बोलो PINNKY, रोज लिखेगी और 6 महीने में देखो गुड न्यूज आएगी। सदके जावा, तेरे को इन्ना वड्डा टोटका होगा, पहले मैनू है दस मेरी नूह दे नाल नहीं पाती, उन्नू उदा नाम चेंज कर दे। मम्मी आंटी आप अपना चेंज करो ना, नू को जाने दो बाहर में, आप लिखो 24, आप पहनो ब्लू और आप रहो मस्त, आप पम्मीज कर दो, PMMYZ, पम्मीज आंटी कर दो मम्मी और फिर देखो हाय, ते इस उम्र च भी मैं ना चेंज कर सकनी हाँ। आप कभी भी नाम चेंज कर सकते हो, हमारे पास 80 साल के बुजुर्ग आते हैं स्पेलिंग चेंज कराने को, एटलीस्ट बाकी के दिन तो अच्छे जाए, मम्मी से आप पम्मीज हो जाएंगी। तो ना चेंज करता या उन्हों ही चेंज करता। नू तो काश आप जितनी भी सासें ये देख रही है ना, उन सबको अपनी नू चेंज करनी होगी, मेरी बेचारी सास के पास तो पांच पांच नूए थी, कैसे जी होगी सोचो आप, तू ते मैं सबसे ना सबसे चेंज कर, छोटी। तू ते अपनी दरानी जठानी सास का ना चेंज कर दिता होना है। शादी करते सबके नाम चेंज बेस्ट, के लिए मैंने, ए बेस्ट की है गाल। तब तो उनके साथ निभा पाई और आज तक निभा रही हूँ, एक एक का नाम बदल दिया। मैं ते कवा ए वीडियो वेख के सारे तेरे कोल आया, सब दी तकदीरा बदल, सारे दुखी अगे ने, जिदा जिदा घर वेख लो सारे दुखी अगे ने, तैन तेरे कोलो की छुपे। अभी एक टिप आप सबके लिए, हर घर में एक 24, एटलीस्ट हॉल में हर कमरे में आप लगा सकते हो, लेकिन 24 नंबर साउथ वॉल पे लगाइए, थोड़े तो लोग शांत हो जाएंगे, काफी शांति आएगी, झगड़े थोड़े कम हो जाएंगे। मैं अज ही अपने घर से 24 नंबर का एक बड़ा जहा स्क्वायर लैके आनी हाँ, कोई शेप का ड्रामा तो नहीं ना, बस 24 होना चाहिए ना। बस 24 होना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, बस ब्लू एंड व्हाइट कलर में होना चाहिए, बस इतना ही करिए, ब्लू एंड व्हाइट कलर, व्हाइट पेपर पे ब्लू पेंसिल लिख दो, बस हो गया। चल थैंक यू श्वेता, तू मेरा इतना मान इज्जत करनी है, मैं फिर तेनू कॉल करांगी, तू मिठाई भेजांगी जब डिंकी की शादी हो जाएगी। मिठाई मत भेजो, बिना मिठाई खाए वजन 100 किलो है, मिठाई मत भेजो, आप मुझे शादी पे बुलाओ, मैं आके पनीर खाऊंगी। डन, ए गल सही है।